ब्रूसिज्म वो दिक्कत है साथियों जो आपके बच्चों के दांत को घिस के खराब कर देती है और आप सोचते रह जाते हैं कि कैसे इसको निजात पाए। आपका बच्चा दांतों को आपस में घिसता है, जॉस को क्लेंच करता है, मुंह को भींचता है और आप परेशान रहते हैं और आप उसकी चिंता करते हैं। आज शायद इस वीडियो से आपकी वो चिंता खत्म हो जाएगी क्योंकि यह वीडियो आपको यह प्रूफ कर देगा कि होम्योपैथी में ब्रूसिज्म को खत्म करने की बहुत कारगर दवाएं हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रूसिज्म के बारे में। ब्रूसिज्म या कह दें ब्रूसिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों का जो दांतों का भींचना, दांतों का आपस में ग्राइंड करना, उस कंडीशन को ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ को ब्रूसिज्म कहते हैं। बहुत कॉमन कंडीशन है साथियों बच्चों में, लेकिन ये बड़ों में भी पाई जाती है। और जब यह नॉन फंक्शनल ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होती है या क्लेंचिंग ऑफ द जॉ होती है तो इस कंडीशन को ब्रूसिज्म ऑफ टीथ डिफाइन करते हैं। इसकी होम्योपैथी में साथियों ठीक करने की कारगर दवाएं हैं जो कि बच्चों को बहुत लाभ दे सकती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्रूसिज्म होता क्या है। ब्रूसिज्म साथियों वह स्थिति होती है, वह नॉन फंक्शनल स्टेट होती है जब बच्चे ज़्यादातर और कभी कभी बड़े भी अपने दांतों को रगड़ते हैं या फिर अपने जॉ को भींचते हैं, क्लेंच करते हैं जॉ को। यह दो कंडीशन जो है ब्रूसिज्म में आती हैं। ब्रूसिज्म दो तरह का होता है, अवेक ब्रूसिज्म और स्लीप ब्रूसिज्म। अवेक ब्रूसिज्म जाहिर सी बात जैसा नाम बता रहा वो स्थिति होती है जब बच्चा या बड़ा नींद में नहीं है, जाग रहा है और उस समय वह अपने दांतों को ग्राइंड कर रहा है, रगड़ रहा है, घिस रहा है दांतों को आपस में या फिर जॉस को क्लेंच कर रहा है। और स्लीप ब्रूसिज्म वह स्थिति होती है जब बच्चा सो गया है और सोने के बाद वह अपने दांतों को रगड़ रहा है। तो यह दो कंडीशंस होती हैं। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स साथियों सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि अपने दांतों को आपस में रगड़ना या मसूड़े को भींच लेना, क्लेंच कर लेना जॉ को, यह दो स्थितियां ही ब्रूसिज्म का सिम्टम्स होती हैं। इन्हीं को देख के आप कह सकते हैं कि फला व्यक्ति को ब्रूसिज्म है। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। जिस तरह हमने बताया कि दो तरह के ब्रूसिज्म होते हैं, स्लीप अवेक ब्रूसिज्म और स्लीप ब्रूसिज्म। तो अवेक ब्रूसिज्म वह कंडीशन होती है जब बच्चा अवेक है और वह दांत को भींच रहा है, और इसके सबसे बड़े कारण जो होते हैं वह आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और फियर। यह जब कारण होते हैं तो वह ये ग्राइंडिंग ऑफ टीथ का कारण होते हैं। और स्लीप ब्रूसिज्म में जब बच्चा सो जाता है उस समय अगर उसको स्ट्रेस है या बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर वह कंडीशन होती है तो वह स्लीप ब्रूसिज्म के कॉजेज होते हैं। और नींद में यह स्लीप एपनिया या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज को भी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो इसको बहुत हल्के में ना लें, अगर यह समस्या है तो इसको दूर करें। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं ब्रूसिज्म यानी ग्राइंडिंग ऑफ टीथ यानी क्लेंचिंग ऑफ जॉ को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों में बता दें यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो साथियों आपके सामने हैं कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं ब्रूसिज्म यानी क्लेंचिंग ऑफ जॉ यानी कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ को ठीक करने के लिए। एक स्थिति साथियों आती है कि बच्चे आपस में दांत भींचते हों, दांत घिसते हों। तो अगर यह स्थिति है कि चिल्ड्रन में, चाइल्ड में ये हो रहा हो कि वह अपने दांत को घिस रहे हों, भींच रहे हों और उनके पेट में कीड़े हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिना। आप बच्चे को सिना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 4 बार दे सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी उसके पेट के वर्म मैनिफेस्टेशन भी खत्म हो गया, कीड़े भी खत्म हो गए और उनकी या दांत भींचने और दांत घिसने की आदत भी खत्म हो गई।
एक स्थिति साथियों आती है, किसी मरीज में बहुत दांतों में दर्द हो रहा हो और उस कारण वह दांतों को भींच रहा हो, तो यह स्थिति हो कि अगर वह उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा हो और उस कारण पेनफुल टूथ हों, जॉज हों, उसके मसल्स हों, गम्स हों, पेनफुल गम्स हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लेंटैगो। आप प्लेंटैगो क्यू फॉर्म में 10 ड्रॉप दिन में 4 times आप उसको दे सकते हैं, उससे उसके गम्स का भी पेन खत्म होगा और उसके ब्रूसिक्सम की शिकायत भी खत्म होगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज में एंजाइटी बहुत हो, बेचैनी बहुत हो और वह अपने दांतों को भींच रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज में बेचैनी बहुत है और वह अपने दांतों को भींच रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 power में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको बेचैनी की शिकायत हो और जो अपने दांतों को भींच रहा हो, अपने जॉस को क्लेंच कर रहा हो, तो आर्सेनिक उसके रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, उसको बार बार जो प्यास लगने की कैफियत है, रात के 10-12 बजे से 2 बजे तक उसकी तकलीफें बढ़ने की बात है, इन सारे सिम्टम्स को ठीक करेगी और मरीज के दांत भींचने और दांत रगड़ने की आदत को भी छुड़ाएगी। एक स्थिति आती है साथियों, बच्चों को रात में एब्डोमेन में पेन होता है, लोअर एब्डोमेन, पेट में दर्द होता है, उनमें एक एंजाइटी रहती है और उनमें पेट में कीड़े रहते हैं, तो अगर यह स्थिति किसी बच्चे में हो तो और वह ग्राइंडिंग ऑफ टीथ उसमें हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 power में 2 बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं या बड़े को दे सकते हैं जिसके पेट में कीड़े रहते हों, जिसको एंजाइटी हो और रात में उसके पेट में एब्डोमेन में पेन होता हो और वह रेस्टलेस रहता हो, उस स्थिति में स्ट्रेमोनियम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी मरीज के सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया है दर्द के मारे और वह अपने दांत घिस रहा है और जो है वह मुंह को भींच रहा है, तो अगर यह स्थिति हो कि क्लिंचिंग ऑफ द जॉ हो और ब्रूसिक्सम की शिकायत हो, वह दांत भींच रहा हो गुस्से कारण और सरदर्द के कारण, तो होम्योपैथी में सरदर्द को ख़त्म करने की और ब्रूसिक्सम को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 power में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो और जो अपने दांतों को आपस में घिस रहा हो और अपने जॉस को क्लेंच कर रहा हो, यह दवा उसकी बहुत मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, जब बच्चा या बड़ा थोड़ा लड़ाई करने वाला है, थोड़ा क्वारलसम है, चिड़चिड़ा है और इरिटेबल है, तो अगर यह स्थिति है कि बच्चा बहुत गुस्से वाला है और इरिटेबल है, तो उस स्थिति में उसका है दांत भींचने और दांत रगड़ने की आदत को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है और उसका गुस्सा खत्म करने की बहुत कारगर दवा है कैमोमिला। आप कैमोमिला 200 power में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे बच्चे को दे सकते हैं, इस दवा से उसको लाभ पहुँचेगा और वह गुस्सा भी उसका ख़त्म होगा और दांत भींचने और दांत घिसने की आदत भी खत्म होगी। ये कुछ दवाएं थी साथियों ब्रूसिक्सम के विषय में। उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों को अगर यह तकलीफ हो रही होगी जिनसे उनके दांत ख़राब हो रहे होंगे, यह दवा उसको ठीक करने में मदद करेगी। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, कुशल चिकित्सक से पूछ के ही दवा लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।